कपकोट में स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांग शिविर आयोजित किया। शिविर में 200 से अधिक मरीजों का परीक्षण कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर गिरिजा शंकर जोशी ने मरीजों का परीक्षण कर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया। उन्होंने बताया कि जो भी मरीज शिविर का लाभ नहीं ले सके वह अगले दिन जिला अस्पताल में आकर लाभ ले सकते हैं। आज के इस दिव्यांग शिविर में मैं सर्वप्रथम कपकोट मेडिकल हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों का, बागेश्वर जनपद के और इस क्षेत्र के सम्मानित युवा विधायक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में बहुत सफल एक आज का जो दिव्यांग कैंप था, बहुत क्षेत्र के तमाम जो छोटे लोग थे उन तक इस आज के कैंप का बहुत अच्छा लाभ मिला और प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज विकलांग शिविर कपकोट में, हमारे विकलांग शिविर में जो कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें 200 लोगों का प्रतिभाग हुआ था, 200 लोग आए थे, जिनमें से हमने 50 के लगभग लोगों का विकलांग सर्टिफिकेट निर्गत किया है और कुछ लोगों को हमने जाँच के लिए बागेश्वर जिला अस्पताल बुलाया ताकि क्या कहते हैं उनका कुछ और जाँचों के बाद दोबारा जाँच करके आगे का अगर उनका बनने लायक होगा तो हम आगे बढ़ाएंगे उनका। सर कितने और लोग रहेंगे जिनका बनना रहेंगे? 10-5 लोग हैं जिनका क्या कहते हैं कुछ जांचें नहीं हुई थी या कुछ उनके एक्सरे नहीं थे, उनको हमने बागेश्वर बनाया। आज यहाँ पे CSC कपूर में आज दिव्यांगता जो है एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे ब्लॉक से लगभग 100 के आसपास जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, ENT सर्जन और आई सर्जन जो है अभी अवेलेबल है और यहाँ पे जिन भी लोगों का जो है सभी लोगों का यहाँ पे दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा जो इसके इसमें रहेंगे और साथ में जो हमारा UDID जो कि ऑनलाइन हमें करना होता है, हमारे साथ समाज कल्याण विभाग भी के साथ हम लोग कम्बाइंड जो है तो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है UDID भी जनरेट किया जाए ताकि उसको जो है हर क्षेत्र में उसका जितना भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र या परसेंटेज बनता है और समाज कल्याण से उनको जो है पेंशन का भी एक प्रावधान है। CCN न्यूज़ के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।